दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपको दिख रहा होगा, सेल में जो है ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो सेल के कौन से प्लांट में, भिलाई स्टील जो प्लांट है वहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप जो है पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है आपका फ्रेशर्स और परमानेंट के लिए जॉब रखी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो इसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारे न्यूज़ हमारे चैनल में जो है ये न्यूज़ मिल रही है, तो एक लाइक तो मेरे ख्याल से बनता है। साथ ही साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नंबर के बेसिस पे ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए। तो इसका ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए। जो यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है, हम बारी बारी करके बात करेंगे हर एक वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं, 123 जो है पोस्ट है। देन यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, डिप्लोमा आईटीआई। देन यहाँ पे माइनिंग, जहाँ पे ग्रेजुएट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फायर स्टेशन ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रखी है, फायर कम इंजीनियर ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ रखी है। देन यहाँ पे फार्मिस्ट की वैकेंसी आ रखी है। तो इन सब वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के, केमिकल के, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक की 38 वैकेंसी है, केमिकल की 2, मैकेनिकल की 37 वैकेंसी है, मेटलर्जी की 34, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो है 4, इलेक्ट्रॉनिक की जो है 8 यहाँ पे सीट्स हैं। देन यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू आपके कैटेगरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे PWD कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए। तो बॉयलर ऑपरेटर के लिए S1 ग्रेड है यहाँ पे। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्रिल ऑपरेटर, देन अर्थमैन, बॉयलर ऑपरेटर की जो है यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी है। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात की जाए तो 53 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। माइनिंग फॉरमैन की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पे 14 है। इसी तरह माइनिंग मेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 30 है। सर्वेयर की बात कर लेते हैं, तो देखिए सर्वेयर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 4 है, और जूनियर स्टाफ नर्स ट्रेनी के लिए 21 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह बात की जाए फार्मिस्ट के लिए, तो फार्मिस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 7 है। सब फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है 36 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं कि कितना क्या स्केल है, क्या सैलरी वगैरह दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है S3 का ग्रेड है, यहाँ पे जो सैलरी है आपका 25,000 जो है, ये जो है बेसिक है 24,000, तो इसको ये जो है सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। देन जूनियर स्टाफ नर्स के लिए भी सेम यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह अगर बात किया जाए जूनियर स्टाफ ट्रेनिंग के लिए, फार्मिस्ट के लिए, माइनिंग फॉरमैन के लिए, फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए और सर्वेयर के लिए जो है S3 का ग्रेड पे रखा गया है, जहाँ पे आपको बेसिक जो है 24,000 रखा गया है। देन यहाँ पे जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 22,000 जो है यहाँ पे सैलरी रखी गई है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। देखिए एज लिमिट पहले बात कर लेते हैं, 18 से लेकर 28 साल के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो है 3 ईयर डिप्लोमा मार रखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मार रखा है, जो मैंने ब्रांच आपको दिखाया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 50% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ACT के लिए जो है आपका ITI रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपके बात की जाए कोई भी ITI के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन 60% होना ज़रूरी है। देन यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप बॉयलर ऑपरेटर के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी ITI जो मैंने अभी ट्रिप दिखाया वो ITI वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरह ACT की बात करें ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्रिल ऑपरेटर, अर्थमैन जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है। माइनिंग सर्वेयर की बात की जाए तो यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग विथ वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट जो है, जो DGMS के द्वारा प्राप्त किया जाता है,
वो अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे लेटरल इंट्री के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत से कैंडिडेट का डाउट होता है कि लेटरल इंट्री के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात की जाए फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट के लिए, तो देखिए फाइनल जो ईयर में कैंडिडेट हैं, अगर उनका जो रिजल्ट है वो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आ जाता है और उनके जो एग्रीगेट है वो 50% से ऊपर बन रहे हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, आप जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप जो है अगर अपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो तो तब जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बशर्ते अभी जो है आप अगर आ सकता है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग रिक्वायरमेंट है। फार्मिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फार्मिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह फायर कम ड्राइवर के लिए जो है मैट्रिकुलेशन विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए जो है ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। देन यहाँ पे आपके पास जो फायर ट्रेनिंग का कोर्स होता है जो नागपुर से कराया जाता है, वो अगर आपके पास है तो आप जो है इजीली फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कुछ यहाँ पे मेडिकल पैरामीटर दिए गए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो इसको आप होना चाहिए। तो देखिए जो मिनिमम मेल्स के कैंडिडेट के हैं 155 हाइट हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है रांची में ही, जैसे कि ये आपका भिलाई में निकला हुआ है, तो यानी कि छत्तीसगढ़ में ही जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ इसका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। तो पहले जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, तो इन दोनों के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि क्या पैटर्न रहेगा, तो देखिए पैटर्न जो है अभी इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हो तो मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार का पैटर्न पूछता है, लेकिन अभी जो है इसमें बताया नहीं गया है क्या पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न जो है इसमें नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चंस रहते हैं और टेक्निकल के भी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर पिछले ईयर का पेपर देखें तो टेक्निकल नॉन टेक जो है दोनों यहाँ पे पूछा जाता है, तो हम जो है इसके रिगार्डिंग जो है बात करेंगे आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं तो। देन यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट रिगार्डिंग हमारे चैनल में वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उन वीडियो को देखिए। देन यहाँ पे जैसा कि आपको जो भी यहाँ पे पोस्ट है उसमें जैसे एसीटी हो गया, देन आपका बोला जाए कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन हो गया, उसके लिए है ट्रेनिंग रखा गया है। तो ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग 2 साल का ट्रेनिंग रखा है, तो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 10,700 और सेकंड ईयर में जो है 12,200 जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। देन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो सैलरी मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है सबके लिए बात किया जाए तो जैसे कि जो S3 ग्रेड लेवल पे है उनके लिए 250 रुपये का फॉर्म रखा गया है जनरल से OBC कैंडिडेट के लिए, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, और जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये का यहाँ पे फॉर्म रखा गया है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की। मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका छत्तीसगढ़ में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत से कैंडिडेट बार बार ये मैसेज करते हैं। देन इसका जो पेपर का लैंग्वेज है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखिए ये फॉर्म जो है आपका अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको हमारे चैनल में सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए हम आप लोगों को अभी से बता दिए हैं। ये जो है फॉर्म आपका एक्टिवेट होगा 26 अक्टूबर से, तो 26 अक्टूबर से पहले जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है एक्टिवेट नहीं होगा, ये आपको 26 अक्टूबर के बाद ही जो है फॉर्म यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ध्यान रखिएगा। जिसकी डेट जो रखी गई है 15 नवंबर रखी गई है, 15 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। बाकी इसके एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन डेट जो है इसके डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कब जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, लेकिन अभी जो है डेट आपको इस ये डेट जो मैं बताया वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत से कैंडिडेट जो है इसके रिगार्डिंग भी कमेंट करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लिंक नहीं है, तो अभी जो है ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये जो है आपका लिंक 26 तारीख से एक्टिवेट होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपको हमारे चैनल में सबसे पहले न्यूज़ मिलती है, तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है एक लाइक और शेयर जो है ज़रूर दे सकते हैं हमारे इन वीडियो को, और चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो है अपलोड हैं, तो अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लिंक हैं, ये सारी वैकेंसीज जो है हमने बता रखी है जिनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है, तो आप जो है इन फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ये सारे वीडियो जो है हम अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरा वीडियो देखा करिए और फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।